तीन इसको 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से ऐसी घड़ी है तो इसके इंजन वगैरह सब जाम हो गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 और अभी हमारा काम ये है कि हमने जाना है अभी अपनी साइट पे, क्योंकि जो वर्क वगैरह रुका हुआ है उसको स्टार्ट करवाएंगे। तो अभी मैं उठा था थोड़ी देर पहले और आज राहुल का भी एग्ज़ाम है तो आने वाला है थोड़ी देर में, तो चलते हैं गाइज अपने वर्क के लिए। तो आज हमने ज़्यादा देर के लिए नहीं जाना, जल्दी आ जाएंगे हम वापस। आज हम आपके लिए एक बड़ी स्पेशल चीज़ लेके आए हैं और वो आपको दिखेगी आगे के व्लॉग में, तो चलते हैं गाइज। सो गाइज, अभी मैं अपनी जो साइट है वहाँ पे आया था, तो एक बार उनको कलर मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है। तो मैं ही उनको कलर बना के देता हूँ कि आपने ये करना है, तो उसके बाद मैं अपना वर्क स्टार्ट करता हूँ। तो आ गया हूँ मैं वहाँ पे, एक बार उनको कलर बनवा देते हैं, उसके बाद वो अपना वर्क स्टार्ट कर लेंगे, फिर कल से होगा हमारा वर्क स्टार्ट। सो गाइज, मैंने वहाँ पे कलर तो उनको बनवा के दे दिया, तो अपना काम वो स्टार्ट कर रहे हैं, आपने देखा ही होगा अभी। तो अब मैं घर पे जा रहा हूँ और घर पे जाने के बाद जो हमारा स्केचेस का है तो वो हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी मेरे पास स्केच का एक और नया कमीशन वर्क आया है, तो मैं उसको भी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि जो हमारा पहले वाला वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा आज। तो कल से मैं दूसरा वर्क स्टार्ट करूँगा और उसकी जो वीडियो है वो भी मैं अपने जो आर्ट वाला चैनल है हमारा, तो मैं उस पर अपलोड करूँगा उसकी वीडियो। तो उसमें मैं सारा कुछ बताऊँगा कि कैसे स्केचेस वगैरह बनाते हैं और कैसे शेड वगैरह देनी होती है, तो मैं सारा कंप्लीट आपको बताऊँगा उसके अंदर। और जो मेरे चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो मेरे आर्ट वाले चैनल का लिंक है, तो आप उस पर जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि जो शेडिंग्स वगैरह होती हैं वो कैसे होती है कम्प्लीट। गाइस, अभी तो रेड लाइट है, मतलब अब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये देख के कि रेड लाइट पर लोग, मतलब रेड लाइट पर जो लोग हैं वो रुकने लग गए हैं, पहले तो रुकते ही नहीं थे। ये मेरे जस्ट आगे ही चल रहे थे, एकदम से कुत्ता आया आगे और एकदम से ये कुत्ते से टकराई इनकी बाइक और ये बहुत तेज गिरे हैं, तो पता नहीं लगता कब एकदम से कोई भी सामने आ जाए। तो बस बच गए, ये बड़ी तेज गिरे हैं ये अभी मेरे सामने। अभी कैमरा मेरा ऑन था नहीं, तो मैंने तभी एकदम से फटाफट ऑन करा जब ये गिरे। तो हम तो पहुँच के घर पे, देखो हम घर के बाहर आ गए और अब मैं जाता हूँ अंदर और अपना जो वर्क है वो स्टार्ट करते हैं। राहुल का पेपर चल रहा है, राहुल पेपर दे रहा है राहुल, तो चलते हैं अंदर, करते हैं अंदर, गाड़ी खड़ी करते हैं। और ये देखो गाड़ी का हाल, मिट्टी, इतनी मिट्टी, तो ये इसके टायरों के कारण हो जाती है, क्योंकि इसके टायर बाहर है ना, बॉडी से बाहर हैं इसके टायर थोड़े से, तो इस कारण इसमें। तो कल बारिश हो रही थी काफ़ी, तो इस कारण जो इसके टायर हैं वो उस पर पानी लग लग के वो सारा उसके ऊपर आ जाता है, तो ऐसे गंदी हो जाती है। और देखो राउट ले पेपर कर ले, और ये देखो मम्मी कैसे बैठी है। पापा जी हेलो बोलो, शांति हो। लो जी फिर आशीर्वाद ले लो सारे। तो गाइज, ये आज अपना ब्रेकफास्ट, तो ये है राजमा, तो राजमा कल बनाए थे तो मैं अगले दिन भी वही खाता हूँ, तो राजमा मेरे को वैसे ही बढ़िया लगता। फिर परांठे खा रहे हो? परांठे नहीं खा, फिर परांठे खा रहे हो आप दीदी? ओ, ओ। अच्छा रोटी है क्या? ओ, ओ। तो ये देखो ये बनाया है साक्षी ने, अच्छा बनाया, बना रहे हैं अभी और थोड़ा सा रह गया ही, करो करो कंप्लीट करो। ये देखो गाइस, सो गाइस ये है अपनी पल्सर 180, ये मैंने बड़े प्यार से बनवाई थी, लेकिन क्या हुआ था इस पर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, फिर उसके बाद मैंने ये ऐसी खड़ी कर दी। ये देखो चाबी अंदर है इसकी, इसको 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से ऐसी खड़ी है, तो इसकी इंजन वगैरह सब जाम हो गया, तो इसकी चैन वगैरह भी जाम हो गई, तो ये पीछे तो जा नहीं रही। देखो हैंडल इसका, मतलब इस पर जब हम बैठते थे ना, मैं वैसे बैठ के दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये इस पे हम ऐसे बैठते थे। गाइज ये है फ्रंट से, तो फ्रंट में इसमें प्रोजेक्टर लगवा रखा था मैंने, तो गाइज इसमें मैंने रूट्स लगवा रखे थे, तो हॉर्न यहाँ पे एक यहाँ था, एक दूसरी साइड था, और नीचे लगवा रखे थे मैंने जो दूसरे हॉर्न जाते हैं, जो क्रेटा वाले हॉर्न होते हैं वो लगवा रखे थे, और यहाँ पे साइलेंसर था इसका। साइलेंसर एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ से इधर से साइलेंसर टूट के गिर गया था, खैर वो रखा है अंदर रखा है। और ये देखो, और ये था इसका हैंडल, तो मतलब हैंडल इसका काफ़ी नीचे है, आपने देखा होगा अभी मैं बैठा था इस पर, और ये
मतलब पैर रखने वाले जो थे इसके इतने ऊंचे लगवाए हुए थे मैंने, देखो साइड से। और ये इसमें टायर भी मैंने बड़ा लगवा रखा था, FZ का टायर लगवा रखा था। अब तो खैर ये बिल्कुल ही जाम हो रही है, अगर मैं इसको ठीक भी करवाऊंगा तो इसकी वैल्यू से ज़्यादा इसमें पैसे लग जाएंगे, तो मैं इसको ठीक करवाता नहीं हूँ। क्योंकि अब ये रहता है कि हम कहीं बाहर जाते नहीं हैं ज़्यादा, तो इसलिए मैं इसको ठीक नहीं करवाता। बाकी बहुत दिल से बनवाई थी ये, मैं आपको फोटोज वगैरह इसकी सारी दिखाता हूँ। ये बनाई बड़े दिल से थी, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लोग जब ज़्यादा देखते हैं ना तो उसको नज़र लगती है, तो वो बार बार ऐसे होता था कि गिर गई है, कभी इसका एक्सीडेंट हो रहा है, कभी इसमें कोई ख़राबी आ गई, कभी ऐसे कोई बहुत दिक्कत रहती थी। तो ये खड़ी है 3 साल से ऐसी ही खड़ी है। बाकी बताना आप मेरे को कॉमेंट में कि ये ऐसी बाइक आपने पहले कभी देखी है या आपको कैसी लगी है, सारा कुछ बताना मुझे कॉमेंट में। ठार है, देखते हैं उठा पाता है या नहीं उठा पाता। उठा उठा दी भाई, उठा दी। बाकी ये उठा के दिखा विक्की, ये उठा के दिखा विक्की। अभी हम आए अंदर और ये जो स्केच था ये हो गया है कंप्लीट। देखो एक बार कैसा लग रहा है, हो चुका है। और ये बना रही है साक्षी की फोटो, ये बना रही है साक्षी की फोटो। तो ये देखो भूत लग रहा है वो, चल ये चुड़ैल बना रही है। ये देखो अभी ये बाल रहते हैं, अच्छा बाल रह गए अभी, अच्छा मतलब अभी पूरा नाश हुआ नहीं, अभी होने वाला है। ये बना है दांत, तो ऐसे लग रहे हैं दांत, देखो एक बार पान वाले दांत लग रहे हैं। पान खा गया है, पान वाले दांत। और साक्षी फोटो ये देखो इनकी बनाई है गाइस। ये देखो अब दूसरा आर्ट वर्क आने वाला है। दूसरा आर्ट वर्क आने वाला, दूसरा आर्ट वर्क इसका है विक्की का, देख लेते हैं क्या बनाया जाएगा। देखो विक्की ये देखने से पहले ना इंश्योरेंस करवा लिया अपना। ये देखो ये बनाया, दिखा भाई इसको। ये होने थी कार्टून वाले वो राजा जी, नहीं होते पुरानी बुकों में वो बना दिए। तो ये है असमर्थ। हाँ भाई काम बता, काम बता जल्दी, काम बता, काम किस काम के लिए आया तू? अब बनाना तेरी पेंटिंग। ये देखो ये आर्टिस्ट बिना देखे बनाते पेंटिंग। इतना माथा, इतना नाक और ये कान यहाँ पे। और ये बना दिया बुड्ढा। ये बनाई है विक्की की। तो गाइस ये बनाए हैं बर्गर विक्की के पापा ने। मैं विक्की का पापा हूँ। विक्की के पापा ने बनाए हैं बर्गर और ये घर में बने हुए हैं, बिल्कुल सारा हर एक चीज घर में बनी हुई है, ब्रेड तक हमने घर में बनाई है। तो सॉस भी हमने घर में बनाई है, पैक पुक भी हमने करा है सारा कुछ। इसकी फैक्ट्री लगाई है ना मैंने, तो इसकी फैक्ट्री लगाई है विक्की ने, टॉप टेस्ट की फैक्ट्री लगाई है। तो एक नंबर के बर्गर दिख रहे हैं अभी, इनको खा के देखते कैसे लग रहे हैं। तो गाइस अभी नंदनी ने बनाया है वेज सैंडविच और काफ़ी हेल्दी है ये। इसके अंदर पनीर है, टमाटो है, कुकम्बर है, कैबेज है और ब्रेड है, ब्रेड भी है हमारी ब्राउन ब्रेड है, सो काफ़ी हेल्दी है। तो प्लीज़ आप इसको एक बार खाना, ट्राई करना इसको बना के। अनियन भी है इसमें, ये रे अनियन रखे हैं। गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 10 और अभी मैंने अपना स्केच कंप्लीट किया है, और लेकिन मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि परमिशन नहीं है दिखाने की। लेकिन आपके लिए एक हमारे पास गिफ्ट है, तो वो गिफ्ट है। ये देखो ये घूम रही, तो देख लो एक हफ्ते के अंदर ये मेरे ख्याल से तीसरा चूहा है जो हमने पकड़ा है। अभी कल परसों के व्लॉग में भी आया था, तो बस ऐसे ही है, यहाँ तो चूहे ही बहुत सारे हैं। गाइज अभी हम उसको छोड़ के आए हैं और अब मैं ये व्लॉग एंड करूँगा, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो अगर आपको मेरी जो बाइक है वो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं इसके लिए एक स्पेशल सा अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं अपनी बाइक के बारे में आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि मैंने ये कहां से ली, कहां बनवाई, और हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इसके पार्ट्स कहां से लिए। तो अगर आप मेरी बाइक के लिए पूरी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके मेरे को बता देना, तो मैं इसके लिए भी एक अलग से एक अच्छा सा व्लॉग बना दूंगा।
तो चलते गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Thank you.